हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बैंक वालों का पैसा डकार जाते हो तो बैंक वाले आपको कैसे डकारेंगे। समझ गए? नहीं समझे तो मैं बता देता हूं। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग इंडिया में क्रेडिट कार्ड लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, या विजय माल्या जितना छोटा मोटा लोन लेते हैं, उसके बाद वो डकार जाते हैं या किसी दूसरी कंट्री में इंपोर्ट कर लिए जाते हैं वो, ठीक है, मतलब यहाँ से वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो बैंक वाला आपका क्या कर लेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे जो बेचारे चाहकर भी लोन को देना चाहते हैं वो दे नहीं पाते, तो बैंक वाले उनके साथ में क्या क्या कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। वीडियो के साथ बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो महा लाइक करना, और खटिया लगे तो डिसलाइक मार देना, क्योंकि डिसलाइक मारने वाले बंदे तो होंगे। जितनी मर्जी वीडियो अच्छी बना लूं, डिसलाइकर तो वीडियो पे 10-15 तो आ ही जाते हैं, पर खैर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि देखो लोन में भी ना, अच्छा पूरी वीडियो को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ कि कई लोग ना बहुत डर जाते हैं कि मैंने अगर 1 लाख का क्रेडिट कार्ड का पैसा ना दिया तो वो मेरे पे केस कर देंगे, या मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, या मुझे जेल हो जाएगी, ये लॉ क्या कहता है। तो बहुत सारे मैं इसमें जो कंसेप्ट है वो क्लियर करूंगा, ताकि आपको इतना डरने की बात नहीं है, ठीक है। कहाँ डरने की बात है भी, जहां पे डरने की बात है वहां डराऊंगा भी बहुत सारा, और जहां पे नहीं डरने की बात है वहां पे आपको मैं बचाऊंगा भी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, और वीडियो 8-10 मिनट की जरूर हो जाएगी, तो ध्यान रखना। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले लोन जो होते हैं, एक तो बंदा लेता है क्रेडिट कार्ड से, और एक बंदा लेता है गारंटर से, मतलब बीच में किसी गारंटर को डाल लिया। अब वो बेचारा अपना रिस्क लेके आपको लोन दिलवाता है। और तीसरा लोन होता है पर्सनल लोन, जो आप खुद लेते हो। तो और एक और लास्ट में लोन आगे वो आता है स्टूडेंट लोन, बेचारे जो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाते हैं, उनके साथ में बैंक क्या करता है। चलो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्रेडिट कार्ड की। अगर तो आप क्रेडिट कार्ड का लोन लेते हो, जैसे मान लो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1.5 लाख की है, ठीक है, तो आपने क्या किया, 1.5 लाख, आपने 1.5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड से लोन ले लिया। अब क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन आपके घर में कोई दिक्कत आई, तो आप उस कार्ड को, उस लोन को पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। अब वो ब्याज बढ़ता बढ़ता, आपने 1 लाख का लोन लिया, अब वो बढ़ता बढ़ता हो गया 2 लाख रुपए, ब्याज बढ़ा, बहुत सारा बढ़ा। और आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड में अगर आपने एक भी EMI बाउंस कर दी, एक बिल अगर आपने बाउंस कर दिया, तो 50 डेज का जो ग्रेस पीरियड होता है वो आपका खत्म हो जाता है। अभी हम जैसे यूज करते हैं कार्ड, तो हमें अभी 45 डेज मिलते हैं ना, अप टू 45-50 डेज मिलते हैं, पर अगर आप अपना पुराना बिल पेंडिंग पड़ा होता है तो फिर आपको 45 डेज का ग्रेस पीरियड नहीं देते हैं। तो ये बहुत सारे बंदों को पता नहीं होती, बंदे सोचते हैं चलो बिल आया कोई बात नहीं, अगले महीने पूरा कर देंगे, और अगले महीने तक तो वो बिल का और ही कुछ बन जाता है, ठीक है। चलो तो अब क्या होता है, मान लो आपने 1 लाख का लिया, अब 1 लाख का आपने जो क्रेडिट कार्ड लिया वो आपने नहीं दे पाए, वो हो गया 2 लाख रुपए। अब क्या होता है, बैंक का एक रूल होता है कि अगर, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा, तो अगर तो आप छोटे विजय माल्या बनते हो या छोटे नीरव मोदी बनते हो, ठीक है, तो छोटे नीरव मोदी या छोटे विजय माल्या बनोगे तो आपको बैंक इतना कुछ कहता नहीं है, आपको डराएगा, धमकियां देगा, बहुत कुछ करेगा, पर वो 2-3 लाख की वजह भागेगा नहीं, ठीक है, वो आप पे केस नहीं कर सकता, ठीक है, वो आपको जेल नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता, देखो आप जैसे छोटे मोटे विजय माल्या तो इंडिया में बहुत सारे भरे पड़े, नीरव मोदी छोटे मोटे बहुत हैं, अनलिमिटेड आपको नीरव मोदी मिलेंगे इंडिया में, अनलिमिटेड आपको विजय माल्या मिलेंगे इंडिया में, ठीक है। तो अगर इतने इतने विजय माल्या को बैंक पकड़ने लग गया ना, तो बैंक सिर्फ विजय माल्या के पीछे भागता रहेगा, छोटे मोटे नीरव मोदी के पीछे भागता रहेगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या है, वो छोटे मोटे जो 2-3 लाख तक के लोन होते हैं वो उनको डराता है, धमकाता है, अगर तो कोई निकाल दे ठीक है, नहीं निकालता है तो उनकी सिविल को वो सिविल में भेज देता है, जो सिविल रिकॉर्ड करते हैं सारे, ठीक है, वहां पे भेज देता है। फ्यूचर में कभी वो छोटे विजय माल्या वो कभी लोन नहीं ले पाएंगे, ठीक है, छोटे नीरव मोदी कभी लोन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये करता है बैंक क्रेडिट कार्ड वालों के साथ में। अब मैं बात करता हूँ पर्सनल लोन। अब दोस्तों अगर पर्सनल लोन की बात करो, तो पर्सनल लोन भी आपको बहुत ज्यादा मिलता नहीं है, 3-4-5 लाख का मिलता है। तो वही, इसमें भी सेम वही चीज है कि अगर तो आपका लोन छोटा मोटा है, ठीक है, तो मतलब अगर आप छोटे मोटे विजय माल्या बनने वाले हो फ्यूचर में, ठीक है, तो बैंक आपको धमकाएगा, बढ़ाएगा, धमकाएगा, बहुत कुछ करेगा, पर आपका जेल वेल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपका सिविल खराब हो जाएगी, फ्यूचर में कभी आप बड़े विजय माल्या नहीं बन पाओगे, छोटे विजय माल्या हो छोटे ही रह जाओगे, बड़े विजय माल्या या बड़े नीरव मोदी नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो अब अगली बात पे आता हूँ, स्टूडेंट लोन पे। अब बेचारे स्टूडेंट की लाइफ में दिक्कत होती है। देखो अगर तो आप ले रहे हो कि बड़ा लोन इन दी सेंस की, जैसे मान लो आपको विदेश में पढ़ना है, आप 60-70 लाख रुपए का लोन ले रहे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि जो बैंक क्या करेगा, पहले तो आपसे वो लेगा गारंटर, ठीक है। अब बेचारा कोई गारंटर जो होगा वो आपकी गारंटी भरेगा, भाई हाँ ये
इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि ये बंदा फ्यूचर में कभी भी विजय माल्या नहीं बनेगा, ठीक है। तो गारंटी ले ली उसने। अब उसके बाद क्या होगा, अगर मान लो कि उसकी वहां पे अमेरिका चला गया पढ़ने के लिए, 70-80 लाख रुपए खर्च भी कर दिया, उसकी बेचारे की जॉब नहीं लग पाई, ठीक है, या किसी कारण वो पैसे नहीं दे पा रहा है, तो जो बीच में जो एक बंदा गारंटर बना था ना, बैंक उसको पकड़ लेगा कि भाई तूने इसकी गारंटी दी, ये बंदा तो पैसे दे नहीं पा रहा है। तो भाई अब जब वो बंदा गारंटर बनता है ना दोस्तों, सुन लो, वो बैंक उसका बहुत कुछ देखता है, ऐसा नहीं कि उसने हामी भर दी और गारंटर बन गया, बैंक उसके पीछे बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखता है, बहुत सारे प्रूफ देखता है, फिर वो उसकी गारंटी मानता है। उसके पास कुछ होना भी तो चाहिए ना, खाली गारंटर बन के वो क्या करेगा, ठीक है। तो फिर बैंक उसको पकड़ेगा और उससे आपके बदले के पैसे, पहले तो वो आप पे पैसे डालेगा, आपने 70-80 लाख रुपए दो, अगर आप नहीं दोगे फिर वो उसको पकड़ेगा गारंटर को, और नहीं दोगे तो आपने क्या, कभी भी बैंक आपको 70-80 लाख का लोन देगा ना, तो कुछ ना कुछ आपका जरूर रखवाएगा वो, और गारंटर है तो जो गारंटर बन रहा है तो उसके पास प्रॉपर्टी होगी, नहीं तो अगर आप अपने ब्याह पे लोन ले रहे हो तो आपके पास घर होगा या कुछ सोना पड़ा होगा, कुछ भी होगा तो वो आपके एसेट जरूर रखवाएगा, ठीक है। अब अगर आप वो लोन देने में नहीं सक्षम होगे तो वो क्या करेगा, वो आपके जो एसेट्स हैं वो उसको खा जाएगा, उसको बेच देगा वो, ठीक है, और वो बहुत जल्दी बेच देगा, 1.5-2 साल का टाइम देता है बैंक। अगर आप उसको पता लग रहा है कि भाई 1.5-2 साल में आप नहीं कर पा रहे हो, आप विजय माल्या बनते जा रहे हो, नीरव मोदी बनते जा रहे हो, तो बस आपका रह क्या गया, सिर्फ देश छोड़ के भागना ही रह जाता है, ठीक है। वो कहता जाने दो यार, वो आपकी सारी चीज़ों को दबा लेगा और ख़त्म कर लेगा। अब दूसरी बात आती है कि अगर किसी का, तो मैंने बताया 2-3 लाख का लोन हो तो वो आपको बहुत धमकियां देगा, बहुत आपको प्रेशर करेगा, अगर आपने दे दिया ठीक है, नहीं दे दिया तो फिर वो सिविल खराब कर देगा। अब आती है तीसरी बात अपनी बड़े लोन की, तो ये बड़े लोन में मैंने आपको बता दिया कि वो बड़े लोन में आपसे गारंटी लेगा, चीज़ें लेगा, बहुत सा लेगा। अब एक इसके बाद और चीज़ आती है कि अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, मान लो कि आपने IIT's IIM's में एडमिशन लिया, ठीक है, और वहाँ पे बैंक आपको लोन तो दे देगा, पर देखो बैंक भी आजकल बहुत चीज़ें देखता है, उसको पता है कि IIT में आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। और आज की डेट में सही बताऊँ, BTech करने का कोई फ़ायदा रहा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, BTech में आज की डेट में स्कोप बहुत कम हो गया है और जॉब्स उतनी मिल नहीं रही है। आप 10-15 लाख या 8-10 लाख का लोन लेके BTech कर लोगे अगर, ठीक है, तो आपको सैलरी मिलेगी कितनी मिलेगी, 25-30 हज़ार की। तो भाई 30 हज़ार में आप दिल्ली NCR में जाओगे तो वहाँ से कैसे लोन पूरा करो, तो लोन भी बहुत सोच समझ के लो। आज का टाइम पहले की तरह नहीं रह गया है कि पहले जो होता था कि भाई हाँ बंदे लोन लेके आराम से पूरा कर देते थे, और पहले NPS भी कम होते थे, आज की डेट में तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो अगर आप IIT या IIM में अगर आप एडमिशन लेते हो तो बैंक क्या है कि मे बी वो आपको 10-15 लाख का लोन दे दे तो आपको बीच में गारंटर ना डाले या आपकी प्रॉपर्टी ना ले, क्योंकि बैंक को यहाँ पे उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं आपकी जॉब लग जाएगी, आप अपने पैसे बैंक को दे सकते हो, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि बैंक आपको बड़ा लोन दे देगा, ठीक है। अब मुद्दे पे आते हैं, मेन बात पे, ठीक है। अगर तो आप छोटा मोटा लोन लोगे, और एक चीज और है, लोन की जिंदगी में कभी भी सेटलमेंट मत करना। सेटलमेंट मतलब क्या होता है, मान लो कि आपने 8 लाख का लोन लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने 8 लाख रुपीज़ का लोन लिया, अब आपका वो लोन बढ़ के 8-10 लाख रुपए हो गया, ठीक है। अब पैसे आप देना चाह रहे हो पर आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है, तो आपने क्या किया, बैंक से सेटलमेंट कर ली, आपने बैंक को कहा चल यार मैं 8 लाख देता हूँ, जो ऊपर का ब्याज पड़ा है वो मैं नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है, तो बैंक सेटलमेंट तो आपसे कर लेगा, क्योंकि बैंक तो भाई खुश होगा ना, उसके तो 8 लाख वापस आ गए, चलो कहाँ उसके 10 के 10 लाख मिलने थे और कहाँ उसके 8 लाख वापस आ गए, तो बैंक तो भाई बहुत खुश होगा। पर इसको कहते हैं सेटलमेंट, ठीक है, आपके सेटलमेंट हो जाएगी, भाई आपने बैंक दिया, बैंक ने आपको न्योडी सर्टिफिकेट दे दिया कि आप मतलब NOC आपको दे दी, ठीक है। अब क्या होगा, देखो सेटलमेंट आपने कर ली, अब जो सिविल रिकॉर्ड में उसका अगला काम होता है कि सिविल में आपका ओके रिकॉर्ड भेजना कि भाई ये बंदे का रिकॉर्ड ओके है, बैंक वो नहीं भेजेगा, ठीक है। आपकी सेटलमेंट हो गई तो बैंक वो नहीं भेजेगा, उससे क्या है आपकी जो सिविल है वो वहीं के वहीं खराब पड़ी रहेगी, ठीक है, वो आपकी सही नहीं होगी, वो रहेगी खराब। तो उससे आपको फायदा क्या हो, जब आपने 8 लाख रुपए दे दिए, सिविल आपकी फिर खराब है, आप डिफॉल्टर फिर बने हुए, तो आपको फायदा क्या है। तो इसलिए कहते हैं कि बैंक में कभी भी सेटलमेंट करना, किसी भी कंपनी में सेटलमेंट मत करना, पूरी अमाउंट को ड्यू करना, ये बहुत लोगों को पता नहीं होती है। लोग सोचते हैं कि हम 2-2.5 लाख रुपए बचा लेंगे, सेटलमेंट कर लेंगे और फिर हम लोन लेके फिर डिफॉल्टर बन जाएंगे। भाई मुश्किल से आपने पहले अपना पैसा बहुत मुश्किल से पूरा किया है, ठीक है, तो बैंक को ये डर रहता है कि अगली बार आप जब लोन लोगे तो रिकॉर्ड तो सारा आजकल ऑनलाइन पड़ा ही है, अगली बार उनको डर रहेगा अगली बार आप पैसा लोगे तो नहीं दोगे, इसलिए क्या है कि पैसा अपना पूरा देना। तो क्लियरली ये बात हो गई है कि छोटा मोटा लोन लेते तो आपको धमकियां देगा, तंग करेगा, और जेल की बात, अगर आप बड़ा लोन लेते हो,
ठीक है, तो उसमें आपको जेल भी हो सकती है, आपके ऊपर बैंक केस भी कर सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि आपने 15-20 लाख लोन लेके चुप करके बैठ गए और बैंक आपको लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है, मतलब यार बैंक बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि बैंक के मैनेजर के ऊपर भी प्रेशर होता है कि वो जो उसको एनपीएस को बढ़ाना नहीं होता, ठीक है, तो उसका टारगेट होता है कि पैसा निकलवाना। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगी हो शेयर कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।